फिल्म रिलीज़ हो गई है सिनेमाघरों के तू होवे मैं होवां तो फिल्म के नाल डेब्यू किया है सज्जन अदीप जी ने। सर इश्कां दे लेखे तो बहुत कुछ लगेगा पर तुसी फिल्मां दे लेखे लग गए हो अपने आप किवें देखते हो जो मेरे चर मैं आपको कदम क्यूट नहीं समझा मैं आप कदम क्यूट नहीं लगता मैनू बट मैं आपके आप थोड़ा जहा संसीयर मुंडा सीरीयस डीसेंट वो समझना मैं सुबह 4 बजे उठ के जिम जाना जिम तो बाद मैं असी शूट करना तो मैं बड़ी हार्डवर्क तरीके संसीयर होकर शूट किया बाकी परमात्मा तो हूँ कि भाग लाऊंगा आदर्श कोई नहीं है लाइफ भी मैं ये अर्गा बनना कि कदे ना सोचा कि वह बनते जा बनते हमेशा सोचा कि बनिए थोड़े प्यार दे पात्र बट मैं चाहना कि मेरा ड्रीम आ कि एक पोइट्री शायरी दे विच जिहड़ा म्यूजिक आ उहदे वड्डे वड्डे कंसर्ट हो उहनूं लिटरेचर नूं कोई मुहब्बत नहीं कर रहा वह लिटरेचर वधिया नहीं है जिहड़ियां किताबां मैनूं लोक गिफ्ट कर जांदे आ मैं पढ़दा मैनूं वधिया लगदियां कुछ भी उहदे विच कुछ कटन पाउण नूं हुंदा ही नहीं। फिल्मी जंक्शन देख रहे सारे दर्शकों का मैं अभिषेक स्वागत करदा। फिल्म रिलीज़ हो गई है सिनेमाघरों के तू होवे मैं होवां तो फिल्म के नाल डेब्यू किया है सज्जन अदीप जी ने। सर इश्कां दे लेखे तो बहुत कुछ लगेगा पर तुसी फिल्मां दे लेखे लग गए हो की हाल चाल ठीक ठाक ऑल गुड जी किवें सबब बनया इस फिल्म के नाल जुड़न का गाने गाते हो लिखते हो इन्ना वधिया लिखते हो फिल्म दे विच आउण दा किवें प्लान बनया सोचा समझा सी अप्रोच की गई किवें सबब बनया मेन मनमोहन भाजी नाल थोड़े थोड़े जिहे पुराने रिलेशन ने थोड़े मोटे तो उन्होंने करके ज़्यादा सुभाव बनया उन्होंने असिस्टेंट से वकील सिंह जी वकील सिंह डायरैक्टर ने तो करके मैं थोड़ा जा सर्कल चीगा तो उन्होंने करके ज़्यादा चीज़ आई बाकी इन्हों जिदा का करैक्टर चाहिए सी एक रोमांटिक सॉफ्ट फेस मैं कह दें सॉफ्ट फेस रोमांटिक मैं क्या ठीक है जी तो रोमांटिक गाने गाँव हो ज़्यादा ताड़ भाड़ा ना होता उदा का इन्हों इंडस्ट्री फेस मेरा लग्या तो इन्होंने मैं अप्रोच किया मैं यही पूछना सी उन्होंने लग्या पर जो शीशे देखते दे, लगते हो कि रोमेंटिसाइज बड़ा क्यूट जावा मैं अपने आप कि देखते दे, जो मेरे चल मैं आपको कद क्यूट नहीं समझा मैं आपको मैं कद क्यूट नहीं लगता मैं आपने आपको किदा समझना मैं डीसेंट समझदा आपने भी मैं डीसेंट जहाँ मुंडा तो ज़्यादा क्यूट ज इदा का मैं कदम मेरे मन च थॉट लोगों मेरे चेहरा देख के जरूर थॉट आता पर मेरे मन च कद आपके कदे नहीं आया तो मैं हैरान भी हूँ भी इदा का यार क्यों थॉट आता उन्होंने है ना भी चेहरे च मेरे क्यूटपन कि लगता तो बट मैं आपके आप थोड़ा जहा संसीयर मुंडा सीरीयस डीसेंट वो समझना फिल्म के ना छोटिया छोटिया हल्किया हल्किया प्यारिया प्यारिया गल् की गई थोड़े वो चन्न लैके बहुत छोटिया छोटिया जो रिश्ते जुड़दियाँ से वो स्पोंटेनियस ही थोड़े वालों दिखाई गई सी और राइटिंग पहला ही हुई पई सी कि तुहाडे ते इन्नी जचदी पई सी नहीं वो सब राइटर का जिदा डायरैक्टर साहब ने कहा कि आह डायलॉग ने मैं इंडिया तो ही प्रिपेयर होकर गया इंडिया तो डायलॉग मैं पहले ही मिल गए थे तो क्योंकि इंग्लैंड शूट करनी थी तो मैं महीना डेढ़ महीना पहला तैयारी करने का टाइम भी दिता इन्होंने तो मैं अपना उदो मेरा वेट काफ़ी सी वेट भी लूज़ किया मैं आपका तो तुम देखोगे उत्थे थोड़ा वेट घट लग रहा इतने हूँ जो थोड़ा ज़्यादा लग रहा होगा स्क्रीन पे तुसी बड़े प्यारे बड़े सोहने ते बड़े क्यूट लगते वैसे अच्छी लगते हाँ मैं बड़ा उदों वेट लूज़ किया मैं मैनू जमी भाई जी हमेशा मजाक करते मैं रोटी पानी जमा बंद किया वैसे मेरा तो मैं सुबह 4 बजे उठ के जिम जाना जिम तो बाद मैं असी शूट करना तो मैं बड़ी हार्डवर्क तरीके संसीयर होकर शूट किया बाकी परमात्मा तो हूँ कि भाग लाऊंगा। अच्छा तुसी इन्ना काम करते हो नी मेहनत करते हो गाते हो एक्ट कर लग पे हो इंस्पीरेशन की है किसी मन के धार दो कि आह मेरी इंस्पीरेशन है इतों तक पहुँच रहे कोई मुकाम मिथे है या रेंडमली जो लाइफ च हों जा रहा तुसी एक्सैप्ट करते जा रहे हो नहीं मैं हमेशा सोचता कलाकारी के मामले मैं ज़्यादा सोचता वड्डे कंसर्ट लाने या कुछ वड्डी वड्डा कलाकार बनना वड्डी वड्डा वड्डा सोचता जिंदगी हमेशा पहले तो ही पहले भी सोचा तो हूँ भी ज़्यादा वड्डा सोचता वड्डा कलाकार की मैं थोड़ी जी डेफिनेशन दसोगे किवें यदा कोई 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 शौहरत दौलत का कोई अंत तो नहीं हों बट आदर्श कोई नहीं है लाइफ भी मैं ये अर्गा बनना कि कदे ना सोचा कि वह बनते जा बनते हमेशा सोचा कि बनिए थोड़े प्यार दे पात्र ते बट ये आ कि हर एक बंदे तो अलग अलग मैं प्रभाव कबूलिया एक्टिंग के मामले क्योंकि जिम्मी भाजी है ना शायरी के मामले साढ़े गुरदास मान तो
अलग अलग चीज़ों तो प्रभाव कबूलिया तो बट मैं चाहना कि मेरा ड्रीम आ कि एक पोइट्री शायरी दे जो म्यूजिक आडे वे कंसर्ट हो पोइट्स की गल करिए पंजाब दे ना जो पोइट्स जो खासकर लिखते हैं बहुत घट उन्होंने फेम मिलता मतलब मैं सिर्फ राइटर्स की गल करता जो सिर्फ किताबा छापते हैं उन्हां बारे कुछ कहना चाहोगे कि क्योंकि कमर्शियल चीज़ होर होंगी है किताब में छापना लोगों तक पहुँचना और तुम्हें लगता है कि पंजाब का जो यूथ है वह सिर्फ गाने वाली पोइटरी ही पसंद करता है आम जो किताब पोइटरी छपती वो वाल रुझान घटता जा रहा है इदां की कोई गल नहीं हैगी जिहड़ी चीज़ चंगी है उन्होंने लोग हमेशा मुहब्बत करते हैं वह चीज़ा वधिया नहीं है जे उन्होंने लिटरेचर में कोई मुहब्बत नहीं कर रहा वो लिटरेचर वधिया नहीं है मैं पढ़ना खुद पढ़ना मैं बुक्स पढ़ना वो मैनू भी वधिया नहीं लगती मैं खुद गाने भी गाँव जिहड़ियां किताबां मैनू लोग गिफ्ट कर जांदे आ मैं पढ़ता मैनू वधिया नहीं लगदियां कुछ भी वो कुछ कढ़न पाउण नूं हुंदा ही नहीं कोई भी चीज़ जो भी करंट हुंदा कढ़न पाउण नूं कुछ हुंदा उहनूं एप्रीशिएट लोग करते ही करते हैं ये साडा वहम आ कि लिटरेचर नूं लोग प्यार नहीं करते गाने नूं प्यार करते आ लिटरेचर च जे कुछ कढ़न पाउण नूं होऊगा तो लिटरेचर नूं भी प्यार करनगे पंजाब तो इलावा अलावा उर्दू पोइटरी हिंदी पोइटरी कुछ पढ़ते हो इस तो भी अलावा कोई अदर लैंग्वेजेस की पोइटरी पढ़ते हो मैं हाँ पढ़ता जो भी मैं टाइम मिलता पंजाबी पोइटरी पढ़ना मेरे नाल दे दोस्त लिखते सारे वो पढ़ता बाकी जिवें अजकल डिजिटल आ इंस्टा से मेरे काफ़ी पेज फॉलो किए मैं उन्होंने देखता रहना बाकी इंग्लिश किताबा वो कन्वर्ट करके उन्होंने पढ़ता रहना बिजनेस कुछ चीज़ा जिन्ना कि मेरा पढ़ने टाइम लगता मैं पढ़ता जिमी भाजी बारे कुछ शब्द बोलना चाहोगे उन्होंने कि बहुत चंगा लग्या क्योंकि जो बड़े लोग थोड़े नाल तो छोटे का उही हौसला बढ़ जाता तो बाकी तुसी मैं उन्होंने देख देख के बहुत सीखा बहुत ही इंडस्ट्री बहुत ही घट लोग नेड़े मेरे दिल के नेड़े ने मैं हर दुनिया ना लोग इंडस्ट्री के लोगों विचरदा पर जिमी भाजी मेरे बहुत दिल के नेड़े ने बहुत ही हर एक बंदे क्योंकि बंदे का पता उतों लगता कि जो छोटा आर्टिस्ट नाल हो छोटापन ना दिखे तो मैनू भाजी को कदे भी अपना छोटापन नहीं देखा कदे भी मैनू ये नहीं फील होया कि मैं एक छोटा कलाकार हाँ भाजी वड्डे कलाकार हाँ भाजी ने हमेशा ही माण दिता हमेशा ही बराबर खड़ाया हमेशा ही एपरीशिएट किया तो मैं चीज़ वड्डी बनता जो इस फील्ड में नहीं भाजी की फिल्मा देखते पसंद करते भाजी स्क्रीन हाँ मैं बहुत देखी पानी दल्ला होवन जो बैठे थे कुलराज रंधावा तो उन्होंने टीम ही जो अभी छोटे हम देखते उन्हें उस टीम ही काम करने का मौका मिले तो बहुत मैं आपको ब्लेस्ड समझा इस मामले असं उम्मीद कर सकते हैं कि होर फिल्मों के नज़र आओगे कुछ प्लान हूँ असं पंगा ले लेना जरूर मैं घट पंगा लेता ही देखता सीगा मैं चलो पहले मैं आदि स्क्रीन फिल्मों के ऑफर चली जाते रहेंगे बट मैं थोड़ा जहा चूजी हाँ मैं थोड़ा जहा घट काम करके राजी हाँ गाने भी घट करके राजी हाँ फिल्मा भी बट हूँ असी मैं अपने स्क्रीन पर देखा तो हूँ मैं जरूर पंगा लूँगा चलो गुड लक सर उम्मीद करते इदा ही सोहना काम करते रहो थैंक यू सो मच थैंक यू सो दोस्तों ये सन सज्जन अदीप जी की कुछ कहना तो इन्हों के बारे अपनी राय जरूर दो देखते रहो फिल्मी जंक्शन।